आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। मत्ती 7 उसके 7 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर जो हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, हमारे मांगने के अनुसार हमारा परमेश्वर हमें देता है, और जो हमारी जिंदगी के लिए, जो हमारी लाइफ के लिए उत्तम है वो हमारी जीवन में वो देता है। तो आइए हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता प्रभु, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हमारे जीवनों से परमेश्वर आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा होए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, आपने जो अगापे प्रेम हमसे किया है मेरे यीशु, उस बात के लिए यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में तू राजाओं का राजा और अति महान पवित्र परमेश्वर है प्यारे प्रभु। सच में मेरे यीशु आपके जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु। आप प्रभु जी महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। सच में मेरे यीशु, आप इस दुनिया में हमारे लिए आए प्रभु, हमारे लिए आपने अपने बेशकीमती लहू को बहाया प्रभु, और अपने लहू का दाम देकर परमेश्वर आपने हमें खरीदा मेरे यीशु। इस बात के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सच में मेरे पिता परमेश्वर आप भले हैं मेरे यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में हम घटे और तू बड़े प्रभु, तेरी महिमा हमारे जीवनों से होने पाए प्रभु जी। विशेषकर हम धन्यवादी हैं मेरे प्रभु कि आज दिन भर आपने हमें संभाला परमेश्वर, और ये प्रभु शाम के समय परमेश्वर आपने प्रभु हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे यीशु, मैं उनके लिए तुझसे दुआ करती हूँ मेरे प्रभु कि आप उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता, आप उनके संग में होए प्रभु, आप उनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। इस बात के लिए यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेषकर प्रभु आज प्रभु उन लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु गर्भ की आशीषें नहीं है मेरे प्रभु, जो अपने जीवन में प्रभु संतान के लिए तरस रहे हैं प्रभु, वो कई सालों से प्रभु परमेश्वर उनका आंगन सूना है परमेश्वर, और पिता वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए, उनके गर्भ के लिए पिता परमेश्वर, कि पिता आपसे हम दुआ करते हैं प्रभु, आपकी ओर से गर्भ का प्रतिफल है मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे यीशु मैं मांगती हूँ परमेश्वर उनके लिए गर्भ के प्रतिफल को, कि प्रभु उन्हें आप अच्छी संतानें दे प्रभु जी, गर्भ की आशीषों को दे परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा हो। यदि दुष्ट प्रभु कोई भी आड़ा डालता है प्रभु, कोई भी नुकसान उनके जीवन में करता है, या फिर प्रभु कितनों के मिसकैरेज हो जाते हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए प्रभु, अगर ओवरी में परमेश्वर जहां बच्चा रहता है प्रभु कोई भी दिक्कत है पिता परमेश्वर, वो दिक्कत यीशु मसीह नासरी के नाम से उनको उनके गर्भ को छोड़कर चली जाए परमेश्वर पिता। जिनके गर्भ टिकते नहीं है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो टिकने पाए प्यारे खुदावंद यीशु पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु जी। धन्यवाद आपके जीवित वचन के अनुसार आप उन बहनों के लिए करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता उनके परिवारों को प्रभु संतान की खुशी से तृप्त करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु पिता। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो प्रभु माँ बाप प्रभु अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों की शादी के लिए परेशान है मेरे प्रभु, उनके रिश्तों के लिए परेशान है प्रभु, और वो सोच रहे हैं कि उनकी उम्र निकलती चली जा रही है। यीशु मसीह नासरी प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि आप उनकी सुधि लें प्रभु, आप उनकी ओर दृष्टि करें प्रभु, आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि वो अपने लाइफ पार्टनर को तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर, एक गुड पार्टनर को तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर पिता। प्यारे पिता आप उनके जीवन में परमेश्वर एक अच्छे राइट लाइफ पार्टनर को दीजिए, ताकि आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए प्रभु जी। जो रिश्ते बनते नहीं है प्रभु, बिगड़ जाते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो रिश्ते बनने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रार्थना कर
करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए पिता जो प्रभु अपनी बीमारियों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तुझे तेरी ओर दुहाई दे रहे हैं। परमेश्वर प्यारे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक कैंसर की बीमारी, हर एक आई कैंसर, हर एक ब्रेस्ट कैंसर, हर एक कैंसर प्रभु जो लोगों के जीवन में पाया जाता है, प्रभु यीशु के नाम से उस कैंसर को डांट कर आज्ञा देती हूँ कि निकल कर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता, आपका वचन कहता है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद कि आपने कैंसर की बीमारी को ठीक कर दिया है। प्रभु आपने परमेश्वर पैरालाइज की बीमारी को ठीक कर दिया है। परमेश्वर पिता, जिनके शरीर में पैरालाइज है, किसी भी अंग में परमेश्वर पैरालाइज है, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें छू लीजिए परमेश्वर और उन्हें चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर। अब भी और इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी हम उस चंगाई की घोषणा उनके जीवन में करते हैं परमेश्वर। प्यारे पिता, मैं तुझसे दुआ करती हूँ मेरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जिन्हें भी डायबिटीज की बीमारी है प्रभु वो निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु, उन्हें चंगा करे प्रभु। प्रभु जिनको जॉइंट्स पेन है प्रभु, उनके जिनके भी जॉइंट्स पेन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उनकी हड्डियों में बल दें परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद यीशु राजा कि आपने जॉइंट पेन को प्रभु दूर कर दिया है। जिसके प्रभु पेट में अल्सर है परमेश्वर, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे प्रभु। हर एक सर दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, हर एक ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। पिता जिसके जिसके पेट में पथरी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से पथरी निकल जाए यीशु के नाम से प्यारे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने आप तेरी दुर्बलताओं को ले लिया और तेरी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु जिनकी आंखों में अंधापन है प्रभु, हल्का प्रभु साइड ब्लाइंडनेस है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उनकी आंखों को छू लीजिए प्रभु और चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु लोगों जो प्रभु पिता किसी भी प्रकार की बीमारी में है प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आती हूँ मेरे यीशु, आपकी उपस्थिति में आती हूँ परमेश्वर, उन लोगों को लेकर के प्रभु हर एक बीमारी से आप उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। धन्यवाद कि आपने पूर्ण रीति से हर एक बीमारी से छुटकारा और चंगाई दे दी है यीशु। धन्यवाद प्रभु, जो लोग अपनी जॉब के लिए परेशान है परमेश्वर और प्रभु इधर उधर सर्च कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, पिता होने दे प्रभु, आप उनके लिए रास्तों को तैयार कीजिए परमेश्वर, आप उनकी हर एक रुकावटों को दूर करिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आप उनके लिए प्रभु एक नए रास्तों को तैयार कर दीजिए, अच्छा जॉब उनके जीवन में दे दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद कि अच्छा जॉब आपने दिया है, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो फ्रस्ट्रेट है उनकी फ्रस्ट्रेशन यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु, जो डिप्रेशन में है डिप्रेशन यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु जी, जिनके लाइफ में टेम्पटेशन टेम्पटेशन आती रहती है, मुसीबतें उनके जीवन में बनी रहती है प्रभु यीशु के नाम से, वो हर एक मुसीबत उनके जीवन से नाश करते हैं पिता प्रभु। आप उनका साथ दीजिए प्रभु, आप उनका सहायक बन जाइए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम इन सारी बातों को पिता आपसे मांगते हैं उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जो लोग अपना घर तैयार कर रहे हैं परमेश्वर, उनके घर बनाने में आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। प्यारे खुदावन, हर एक काम प्रभु उनके बनने पाए मेरे यीशु, सच में प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा परमेश्वर पिता। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो अपने जीवन में प्रभु न जाने किस प्रकार के कर्जे में डूबे हैं परमेश्वर, वो हर एक कर्जा यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छोड़ कर चला जाए, क्योंकि परमेश्वर आप यह आई रहे हैं उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया यीशु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। धन्यवाद यीशु, इन सारी प्रार्थनाओं को मेरे यीशु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता, कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया यीशु। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद इन सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु, जितने लोगों
ने इन प्रार्थना को सुना परमेश्वर, हम तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। पिता आपकी आशीषों को प्रभु उनके जीवन में फ्लोरिस करते हैं पिता परमेश्वर, अनाउंस्ड करते हैं परमेश्वर पिता, आपका सौभाग्य उनके साथ में रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।